नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। वक्त हो गया है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल का हुआ उद्घाटन, पीएम मोदी बोले भारत सेकंड के अरबवें हिस्से को मापने में है सक्षम। किसानों के समर्थन में बौद्ध भिक्षु पहुंचे गाजीपुर बॉर्डर, कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग। भारत की कोवैक्सीन में ब्राजील के निजी क्लिनिकों में ने दिखाई दिलचस्पी, 50 लाख डोज की खरीद के लिए किया गया समझौता। वैक्सीन पर पॉजिटिव खबरों से शेयर बाजार ने बनाया नया रिकॉर्ड, पहली बार 48,000 के पार खुला सेंसेक्स। असदुद्दीन ओवैसी उतरे चुनावी मैदान में, कहा टीएमसी हम पर उंगली उठाने के बजाय अपनी हार पर मंथन करे। गाजियाबाद शमशान घाट हादसा, 25 लोगों की मौत के बाद ईओ, जेई सुपरवाइजर और ठेकेदार पर केस दर्ज। शमशान हादसे पर राज्यपाल, सीएम ने जताया शोक, सरकार ने किया मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान। गाजियाबाद हादसे में सीएम योगी ने मांगी जांच रिपोर्ट, जिम्मेदार लोगों पर होगी कार्रवाई। अखिलेश यादव के बाद पप्पू यादव ने टीके पर उठाया सवाल, कहा मुझे कोरोना वैक्सीन की जरूरत नहीं। अखिलेश के बयान पर सियासत, केंद्रीय मंत्री गिरिराज बोले ये छुपकर वैक्सीन लगवा लेंगे लेकिन लोगों को भ्रम में रखेंगे। अमेरिका के मशहूर टॉक शो प्रिस्तोवा, लैरी किंग हुए कोरोना संक्रमित। अमेरिका में नैंसी पेलोसी दोबारा चुनी गई प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष। अमेरिका में फिर कोरोना ने मचाई हाहाकार, एक दिन में करीब 3 लाख नए मामले आए सामने। पाकिस्तान में मंदिर पर हमले को लेकर 8 पुलिस अधिकारी सस्पेंड, आरोपियों को 3 दिनों को की पुलिस हिरासत में। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन की चेतावनी, पहले से और कड़ा किया जा सकता है कोरोना लॉकडाउन। रेस्तरा कंट्रोवर्सी को लेकर रोहित शर्मा से लेकर ऋषभ पंत तक मांजरेकर ने नाम लिए बिना लगाई क्लास। भारतीय क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ी भी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आई निगेटिव, सिडनी के लिए टीम रवाना। रोहित शर्मा समेत 5ों खिलाड़ी भी साथ, सिडनी के लिए रवाना हुई टीम इंडिया। ब्रैड हेडिन का बड़ा बयान, कहा गाबा में ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड देखकर भारत के छूटे रहे पसीने। भारतीय टीम ने कहा हमें पसंद नहीं कि हमारे साथ जानवरों जैसा हो व्यवहार। किसानों के समर्थन में है अभिनेता धर्मेंद्र, बोले मिले इंसाफ, जी जान से करता हूं अरदास। शूटिंग के लिए जैसलमेर पहुंची बच्चन पांडे की टीम, साथ नहीं दिखे अक्षय कुमार। न्यू ईयर ईव पर बीबी फेम निशांत का हुआ एक्सीडेंट, गहरे गड्ढे में गिरी गाड़ी, बुलानी पड़ी क्रेन। अनस सैयद का दिखा रोमांटिक अंदाज, सना खान को बताया दुनिया की सबसे खूबसूरत पत्नी।
मलाइका अरोड़ा ने बनाया अर्जुन कपूर के लिए खाना, अभिनेता ने सोशल मीडिया पर साझा किया वीडियो। फिलहाल के लिए इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखते रहिए प्राइम टीवी।